आज पदयात्रा थी और जब वहाँ पर हम पदयात्रा करने गए तो कुछ शरारती नौजवान, कुछ है मैक्सिमम लोग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोगों ने आके वहाँ पे कुछ अपना विरोध किया और कहा कि यहाँ से आप लोग रैली निकालना नहीं और हम लोग मजलिस को यहाँ काम नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह की बातें की, और कुछ लोगों के आंख पे भी गए, झंडे वगैरह फाड़े जो भी है। लेकिन अभी हम लोग वो पदयात्रा करेंगे इंशाल्लाह ताला अभी, और हमारा ये रहेगा कि हम लोग हमारी पदयात्रा करेंगे, हम ना किसी से उलझेंगे, ना किसी को घोरेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना किसी की गाली का जवाब देंगे। हमको हमारी जो खासदार साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे को अपनी इंसानियत के साथ में पूरी रैली को ख़त्म करना है और वापस आना है। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई शरारत होती है तो सब एक जगह जमा हो जाए, और जमा होने के बाद उसका हमको जवाब नहीं देना है। हमको लोगों का दिल जीतना है, हमको ऐसा किसी के जवाब देते बैठना नहीं है। हमको मालूम है कि ऐसे अच्छे काम करने वालों के लिए दिक्कतें आती है, वो आए भी तो हम उसको आसानी से उसके सामने से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी शर का, किसी भी गलत कमेंट का या किसी भी गाली का कोई जवाब नहीं देंगे। हम लोग इंसानियत से लोगों से मुलाकात करेंगे, पॉम्पलेट देंगे और वोट करने के लिए उनसे अपील करेंगे, ठीक है।